हैल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चले हां अरोड़ा डेंटल एंड इम्प्लांट क्लीनिक जो कि जैतो रोड कोटपुरा विखे स्थित है। यह क्लीनिक दंदा के मरीजों लिए एक वरदान है। इतने दंदा के रिलेटेड हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। साई टीम ने डॉक्टर पारस अरोड़ा और डॉक्टर रूपाली अरोड़ा जी ने गलबात की जो कि BDS MDS ने। इतने वक् वक् तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। फुली स्टेरलाइज नीट एंड क्लीन ऑपरेटरी डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट क्राउन एंड ब्रिज फिक्स टीथ चाइल्ड केयर डेंटिस्ट्री रूट कैनल ट्रीटमेंट ऑर्थोडोनिक ट्रीटमेंट टूथ कलरिंग फिलिंग्स कंप्लीट डेंचर्स और होर वक् वक् तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। आओ लैके चलते हैं तुम अरोड़ा डेंटल एंड इम्प्लांट क्लीनिक कोटपुरा विखे। दर्शको हैल्थ प्लस प्रोग्राम से तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं अरोड़ा डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर जिहड़ा कि सेवावां दे रहा अपन कोटपुरा विखे और डॉक्टर गल कर रहे हैं डॉक्टर पारस जी के नाल। पारस जी तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों। पर जी जिस तरीके दे नाल तुसी इस सेंटर दे विच कंप्लीट डेंटिस्ट्री जिहड़ी हैगी आ उहदा सेवावां दे रहे हो चाहे वह लोगों को सोने बनाने की गल हो चाहे इम्प्लांट की गल हो चाहे रूट कनाल की गल हो कहना चाहोगे कि कंप्लीट सेंटर है MDS जिदा तुसी तुहाडा स्लोगन भी MDS लिखा है कि दोनों ही जिहड़े हैगे आ जाने जिहड़े इत्थे तुसी और तुहाडी वाइफ सेवा दे रहे ने दोनों ही पोस्ट ग्रैजुएट ने डेंटल दे विच। हाँ जी मैं और मेरी वाइफ दोनों पोस्ट ग्रैजुएट हैं। असी इत्थे कंप्लीटली स्पैशलाइज डेंटिस्ट्री ते फोकस कर रहे हैं। छोटे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक सारियां नूं अच्छी सेवावां दित्तियां जांदियां हन। दसो अगर आपां गल कर लईए पहलां वाला जिहड़ा समां सीगा जदों असी कच्ची झाड़ भरांदे सी पक्की झाड़ भरांदे सीगे काफ़ी सानूं विजिट्स करनियां पैंदियां सीगियां की कहना चाहोगे कि अज जिहड़े हैगियां टैक्नीक्स नवीआं आ गईआं ने उहदे विच उह चीज़ां नहीं है और दंद नूं बचाउण वाले पासे जिहड़ा हैगा सिस्टम क्योंकि असीं जदों कच्ची पक्की भरा ली उस तों बाद साडी झाड़ निकलदी होई सीगी ते सानूं जां मतलब जिहड़ा हैगा कैप वगैरह चढ़ाउणा पैंदा सीगा और अज तुसीं उहनां चीज़ां नूं बचा लिया। या पहला की सी पहला एक ही चीज़ चलती सी दंद नू या तो कच्ची भर के कुछ टाइम टपा लो या उखाड़ दो निकालो। हुण दूसरी गल है हुण आ जी सिंगल विजिट डेंटिस्ट्री सिंगल विजिट रूट कनाल चलती है डेंटल इम्प्लांट्स चलते हैं तीन दिनों विच तुसी फिक्स टीथ लगवा सकते हो एवरीथिंग इज़ पेनलैस एंड क्विक। एंड असा अगर गल करी जाए इस क्लीनिक की जिदे विच तुसी लोगों नू सोहने बनाना क्योंकि अगे तो लोग जाते सी विआह वेले ब्यूटी पार्लर दे कोले और अजक वो डेंटल डॉक्टर को भी जाते हैं। अजक उन्हों का एक सनैरियो बन गया कि असी दंदा की क्योंकि समाइलिंग जी है बड़ा काउंट करती है और ब्याह के समय उन्होंने होंगे कि असी एक बार समाइल साड़ी इन्नी वधिया लगे भी लोग सानू मतलब देखन जो असी ब्राइड ब्राइड ग्रूम जो बनते हैं कि कहना चाहोगे कि अजक जोड़े मैरिजेबल एज वाले बच्चे है वो विजिट कर लग गए ने मतलब एक ट्रेंड जहा बन गया एवें है जी। अजकल ना ब्राइडल स्माइल डिजाइनिंग का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है जिदे असी ब्राइड एंड ग्रूम वॉन्ट विनीयर्स चाहते हैं वह अपने दंदा वाइटनिंग चाहते हैं तो विनीयर्स चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है बहुत ब्यूटीफुल फेस बन जाता है। डॉक्टर साहब अगे ये फिल्मी सितारे चीज़ा होंगे सी अजक आम बंद की भी पहुँच दे आ गई चीज़ा क्योंकि इंडिया के चीज़ा वेनियर होर आ जो इंडिया की कंपनियां भी बना लग गई और वाली जो होगा सोगा के मन च भी पता नहीं तो फिल्म स्टार ही जो चीज़ा करा सकते हैं अज एक आम बंदा भी करा सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल अजक हर बंद ये चीज़ा अफोर्डेबल है। बिल्कुल दसा की फैसिलिटीज इस होस्पिटल अवेलेबल है। देखो जी असं सिंगल विजिट रूट कनाल कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स कर रहे हैं स्माइल डिजाइनिंग कर रहे हैं पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं बड़े बजुर्गों लिए ओवर डेंचर्स दे रहे हैं सब कुछ है A to Z ऑफ डेंटिस्ट्री इज अवेलेबल। एंड सर जिस अजकल का स्टाइल हैगा स्टिकी फूड्स है और लोग जोड़े है जंक फूड्स बच्चे जोड़े है ज़्यादा लाइक करते हैं ईवन बड़े भी लाइक करते हैं सॉफ्ट फूड्स आ गया की कहना चाहोगे कि वो दंदा की जी लोग वैसे तो बचाते हो गए अगर जो दंद निकलते बंदा कहता सी इन्ने चर की एज लगती है भी इन्ने दंद निकले अज तुम दंदा बचाता अज 90 साल के बंद का भी पता नहीं लगता दंदा तो नहीं बंदा जज कर सकता भी ये बुढ़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल पहला की सी फाइबरस डाइट सी हुण चीजी डाइट है जंक डाइट चल रही है इस करके टीथ ते इफेक्ट तो आया पर टेक्निक्स भी इनिया को अच्छिया बन चुकी हैं कि आप टीथ नू सेव करके पेशेंट नू एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। डॉक्टर साहब जिहड़ा एक क्लीनिक तुसी बनाया हाइजेनिक और सब तो पहली गल स्टरलाइजेशन का पहले दिन तुसी ध्यान रखिया क्योंकि तुसी जिस दिन क्लीनिक खोलिया उस दिन तुहाडे माइंड सीगा कि असी लोगों नू होर बीमारी नहीं देनी और उन्हूं लैके तुसी हमेशा स्टरलाइजेशन दे केस दे विच बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो यही कारण है कि करोना के एपीडेमिक दे विच भी तुसी सेवावां जिहड़ियां इस होस्पिटल ने छड्डियां नहीं गईयां और बखूबी नवाईयां क्योंकि पहले ही तुसी अवेयर सीगे इस चीज़ के पहले तुसी प्रिकॉशन बहुत लेंदे सी। बिल्कुल जी बिल्कुल असी प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना साडा स्ट्रिक्ट रूल है ते साडे सारे स्टाफ नू ते सानू असी बिना स्टरलाइजेशन तो कोई काम नहीं करते अपा बीमारी बचानी है फैलानी नहीं। डॉक्टर की तुहाडा मैसेज रहूगा साडे देखने वाले दर्शकों जिस तरीके दे नाल अज
सिस्टम आ जिहड़े बड़े चेंज हो चुके आ। अगे लोगों नूं हुंदा सीगा जे बठिंडे वाला एरिया अपना या कोटकपुरे वाला एरिया कहिंदे सी हड्डी खराब है इहदी, दंदां दे उत्ते पीलापन जिहा बहुत ज़्यादा हुंदा सी, इक लाइनां जिहा हुंदियां सीगियां, कहिंदे सी इह हो ही नहीं सकदा। की कहना चाहोगे कि अज हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ नूं तुसीं इन्ना क वधिया तरीके दे नाल हैंडल कर सकदे हो कि किहो जिहे मर्जी दंद होण उहनां नूं वी मलाई वर्गे बन सकदे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, अस मेरे यही सलाह है सारे लोगों को कि हुण प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का जमाना है कि बीमारी नूं जड़ तो वधन नालों पहला ही तुसी बचाओ। जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम लगती है तो उन्हें पहले पॉइंट से ही रोको, जे फिर भी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हर चीज़ का अपने को सोल्यूशन है, मतलब इम्पलांट्स तो लैके फिक्स्ड ब्रिजिज तक सब कुछ अवेलेबल होंदा है, बस तुहाडे थोड़ी जी प्रिकॉशनस लैण की लोड़ है। डॉक्टर साहब तुहाडा धन्नवाद सानूं समां देण लई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल दे हैल्थ प्लस प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। असं तुम्हें मिला जा रहे हैं डॉक्टर पाली अरोड़ा जी के नाल। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब किवें तुसीं अपनी ग्रैजुएशन की, किवें पोस्ट ग्रैजुएशन की, और किवें अज कोटकपुरे का एरिया ही नहीं बल्कि आस पास के काफ़ी पिंड जिहड़े हैगे आ इस हॉस्पिटल च विजिट करके रिव्यूज़ पा रहे हैं कि सानू बहुत वधिया लग रहा है। देखो जी, मैं अपनी ग्रैजुएशन फरीदकोट दशमेश डेंटल कॉलेज तो की, इस तो बाद मैं अपनी पोस्ट ग्रैजुएशन सुरिंदरा डेंटल कॉलेज तो राजस्थान तो की, गंगानगर तो। इस तो बाद मेरी मैरिज, आई बिलोंग टू एक्चुअली फरीदकोट, तो मेरी मैरिज कोटकपुरे हो गई नियर बाय प्लेस, तो हुण असीं दोनों जगह से सेवावां दे रहे हैं। उत्थे लोड़ हुंदी है तो उत्थे भी करीदा कम, उत्थों के पेशेंट्स भी आउंदे आ, इत्थों का भी करीदा। डॉक्टर साहब जिस तरीके दे नाल इह हॉस्पिटल जिहड़ा इक आस्था दा केंद्र बनिया, और सब तो वड्डी गल है कि इस हॉस्पिटल दे विच तुसीं रेट्स आ जिहड़े ओह बहुत ही मतलब ऐसे रखे आ कि बंदे नूं जिवें पहलां अपने प्रोसीजर्स कराउण लई दूर दूर जाना पैंदा सी, बहुत महंगा काम हुंदा सीगा, चंडीगढ़ जांदे सी लोक, लुधियाने जांदे सीगे अपने आप नूं सोहणे बनाउण दे लई कि असीं डेंटल दा इह करना, असीं टेढे मेढे दंद आ साडे, असीं तारां पाउणियां, असीं ओह जिहियां तारां पाउणियां जिहड़ियां नवें जमाने दीआं होण। तुसीं जदों दे इत्थे आए आ दोनों जणे, तुसीं चीज़ां ही नवीआं लैंदियां। बिल्कुल जी, लेटेस्ट टेक्नीक नू मार्केट दे विच लियाना ते लोकां दे मन दे विच उस चीज़ नू बिठाना एक बहुत वड्डा काम हुंदा है। जदों लोकी उस चीज़ नू फॉलो करन लग पैन तां बैटर हुंदा है कि वधिया सेवावां दिओ। साडी मेन, साडा मोटिव दोनों जणियां दा इही हुंदा है कि असीं पेशेंट नू आपदा बेस्ट देईए, तां बेस्ट जिहड़ा दित्ता जा सकदा उह लेटेस्ट टेक्नीक नाल दित्ता जा सकदा, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नीक्स जिहड़ियां हैगियां ओबवियसली उह बैटर है जो कि पुराने टाइम ते जो डेंटिस्ट्री चलदी सी। पहलां लोकी बिल्कुल विश्वास करते कि सिर्फ साडा दंद भर दो या उन्हूं कढ दो, मेन आही दो चीज़ां हुंदियां सी हर किसी के मूँह के उत्ते। हुण सानूं इह हुंदा है कि नहीं कढ़न, ईवन कि साडे कोल असीं रूटीन प्रैक्टिस दे विच देखीदा है कि साडे कोल एक 70 ईयर्स दा ओल्ड पेशेंट आके भी कहिंदा है जी नहीं मेरा दंद बचाओ, तो सानूं खुद नूं चंगा लगता है कि पेशेंट भी अवेयर हो रहा है, तो असी तो खुद जिहड़ा नवीं टेक्नीक दे नाल पेशेंट नूं वध फायदा दे रहे हैं, सानूं मेन यही है साडा भी। अंडर सर स्केलिंग की आप गल कर लिए, कोई समा सीगा जदों लोग थोड़ा जिहा डरदे सीगे कि स्केलिंग दे नाल साडे दंद कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अजकल रूटीन मैटर बन गया, लोग फैमिलीज़ दे फैमिलीज़ आ जिहड़ियां 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वो चाहती है कि साढ़े दंदा की पूरी सफाई हो जाए, और उसके लिए उन्होंने ये चीज़ की अवेयरनैस हो गई है कि हम कोई दंद साढ़े कमजोर नहीं होंगे बल्कि साढ़े दंदा के गंद जोड़ा है साड़ा क्रेड़ा जिन्होंने साढ़े नाल चूइंग करद तो सूँ वो प्रॉब्लम दिता वो सू बीमारियां भी लगती। बिल्कुल जी बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कहा कि पहला लोगों की यही सोच होंगी सी कि असी दंद की स्केलिंग करवावे सफाई करवावे तो पेशेंट कहता कि साढ़े दंद कमजोर हो जाएंगे, साढ़े दंद जोड़े है वह हिलन लग पे, मेन पेशेंट के हर किसी ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਓਲਡੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਸੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
सारी मशीनरी जी है इलैक्ट्रिक हो चुकी है, बिजली के उपर चल रही है और उन्नी ताकत भी नहीं लगती। पहले तो वो घसा घसा के दंद जोड़े आपकी ताकत ला ला गए पैर के नाल। अजक हर चीज़ है जी मॉडर्न करती और जो स्केलिंग है वह भी सिंगल सिटिंग के। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्केलिंग सिंगल सिटिंग दैट टू फॉलोड बाय पॉलिशिंग। असी अपने क्लीनिक दे विच स्केलिंग तो बाद पॉलिशिंग जी एडवाइज़ करते ही करते हैं पेशेंट नूं, ताकि जो एक टूथ सरफेस हों वो बिल्कुल एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस होवे, ताकि उन्दे च कैलकुलस जम्मन का या कुछ भी करेड़ा जम्मन का कोई चांस ही ना रहे। तो असी अपने सिंगल सिटिंग स्केलिंग तो हो ही गई है, पर उन्दे नाल फॉलोड बाय पॉलिशिंग भी असी अपने पेशेंट्स नूं हमेशा साडी कोशिश यह होंदी है कि जे पेशेंट कोल टाइम है, साडे कोल टाइम है, तो असी अपना पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग दे विच करके पेशेंट नूं भेजिए। तो चाइल्ड डेंटिस्ट्री लई भी ये हॉस्पिटल मशहूर हैगा, जिदा जो बच्चे जिहड़े थम सकिंग हैगी आ उन्हां दे लई तुहाडे कोल टैक्नीक्स हैगीआं, उन्हां नूं तुसीं गाइड करदे हो, उहदे बारे की कहना चाहोगे? देखो जी, मेरी स्पैशलिटी पीडियाट्रिक दी है, तो इस करके असी साडा फोकस यही हुंदा है कि असी बच्चों के प्रति स्पैशल केयर करिए। तुसीं कदी सुनिया होगा कि कोई भी पेशेंट कितने जाता है तो उन्होंने कह दिता जाता है कि दुध वाले दंद है निकल जाएंगे, पर असी अपने क्लीनिक दे आज तक मतलब अपनी प्रैक्टिस जदों दी असी शुरू की असी ये चीज़ पेशेंट के दिमाग लैके भी नहीं आते गए, क्योंकि बच्चे का दंद है उन्हें 12 साल की उम्र टुटना है, 12 साल की उम्र टुटना है तो बच्चे ने 12 साल तक बिल्कुल प्रॉपर बराबर खाना खाना ही खाना है जो आप खाने। तो इस करके साड़ी कोशिश होंगी है असी इतने सिंगल विजिट रूट कैनाल बच्चों दियाँ भी करी दी, ईवन कि क्राउनस भी लाई दे है, पूरा फुल ट्रीटमेंट जो बच्चों का स्पेशली असी करते हैं। तो थोड़ा सानू समय देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जानते कि मैसेज रहेगा देखने वाले दर्शकों। देखो जी, मैं सारे लोगों मैं यही मैसेज देना चाहनी हाँ कि तुसी अपना फूड इंजॉय करो, असी ये नहीं कि बीइंग अ डेंटिस्ट असी तुहानू किसी चीज़ तो मना करते हैं खाने तो, तुसी खाओ पियो जो मर्जी करो इंजॉय करो, पर हाँ स्ट्रिक्टली साड़ी यही गल हुंदी है कि अपना ब्रशिंग 2 टाइम रखो हर डाइट तो बाद, तुसी रिंस करो कुरला करो ताकि तुहाडे दंदां दी ओवरऑल सफाई रहे, ताकि तुहानू बीमारियां तो पहले ही तुसी अपना आप ही बचाव रखो। साढ़े कोल आके असी ये नहीं कहिंदे, साढ़े कोल आके तुसी करो 2 वारी ब्रश करो कुरला करो, रूटीन आपका डेंटल चैकअप करवाते रहो तो सब कुछ वधिया ही वधिया जी। तो अपने क्लीनिक के बारे दसना चाहते हैं कि लेटैसट इक्यूपमेंट्स या लेटैसट की असी टैक्नीक यूज़ करते हैं, जिमें कि असी अपने इंटरव्यू दसाया कि तुहानू असी लेटैसट टैक्नीक्स नाल असी अपना काम करीदा, तो उन्दे विच की है कि एक्सरेज RBG है जिंदे विच सानू कुछ भी एक्सरे नू डिवेलप करन दी लोड़ नहीं हुंदी। असी पेशेंट का एक्सरे लिया तो नाल दी नाल पेशेंट का एक्सरे जिहड़ा स्क्रीन दे उत्ते आ गया, ठीक है जी। असी RCTs करते हैं जो कि एंडोमोटर नाल असी करते हैं, हैंड RCTs साड़ी प्रेफरेंस बहुत घट होंदी है। इम्प्लांट लई साडे कोल एडवांस्ड इम्प्लांट किट्स है, फिलिंग्स लई साडे कोल प्रॉपर LED क्योरिंग लाइट वाली फिलिंग्स है जिंदे विच असी सारा अपना ट्रीटमेंट जिहड़ा दिंदे हां।